दीदी, इस कूड़े को बाहर फेंक दे। नहीं, ये कूड़ा नहीं फेंकना, हम इससे बाद में कुछ करेंगे। क्या क्या दीदी? दीदी? क्या दीदी? अच्छा, पहले एक कहानी सुनोगे तुम लोग? हाँ दीदी। अच्छा, दो दोस्त थे, रामू और श्यामू। वो दोनों सुबह सुबह टहलने गए। श्यामू ने कोने में देखा, बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। उसमें इस तरह की बहुत सारी झाड़ पड़ी हुई थी। तो श्यामू ने कहा कि ये तो फेंक जाएगा, बेकार जाएगा। तो रामू ने कहा, नहीं, मैं इसको फेंकने नहीं दूंगा, मैं इससे कुछ बनाऊंगा। पता है दोस्तों उसने क्या किया? उसका क्या किया दीदी? उसने उसका ये सुंदर सा गुलदस्ता बनाया। कैसा है? अच्छा है दीदी। उसने ये बहुत आसानी से बनाया। और जानते हो उसमें क्या-क्या लगाया? नहीं दीदी। ये मखाने के फूल और हरे कागज की पत्तियां बनाई। अच्छा दीदी। अच्छा दीदी। देखने में अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी। आप बनाना चाहेंगे? हाँ दीदी। बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें मखाने चाहिए होंगे, थोड़ा सा कागज चाहिए होगा। मखाने के फूल की जगह आप थर्माकोल के भी फूल लगा सकते हैं, और आप रुई की गोलियां भी लगा सकते हैं जो फूल की तरह लगेंगी। चलिए बनाए से। हाँ दीदी। अच्छा, कोई भी मिट्टी का गमला या बर्तन या इस तरह का वाज आप ले सकते हैं। लीजिए, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ। इसको ऐसे अंदर रखिए। हम लोग ये वाला ले लें। ये हमने इसको इस तरह से रखा। रखने के बाद अब हम इसमें फूल से सजाएंगे। ये मखाना इस तरह से इसके कांटे के अंदर लगा दिया। बहुत हल्के हाथ से लगाइए। भी हाँ, आप लोग भी बनाइए। ये लीजिए, थर्मोकोल के बनाइए, इस तरह से लगाइए। आप भी लीजिए, इसको लगाइए हमारे साथ। इसको इधर रख देते हैं। रुई के भी? हाँ, रुई भी लगा सकती हैं आप। आसानी से लग रहा है ना? आप चाहें तो पेपर के भी फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। अरे वाह, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और लगाइए इसको। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? नहीं दीदी। इस तरह से हम लोग मखाने से फूल बनाते हैं। और यहाँ देखिए, लोगों ने इतने अच्छे ढंग से थर्माकोल और रुई के फूल बनाए हैं। फूल लगाने के बाद हम इसमें पत्तियां लगाएंगे। पत्तियां देखिए, इस तरह की पत्तियां होती हैं। इसमें हमने थोड़ा सा चिपकाने वाला पदार्थ लिया, गोंद लगाई और इस तरह से इसको इसके ऊपर लगा दिया। दीदी ये, हाँ दीदी, ये लीफ कैसे बनती है? पत्ती कैसे बनती है? पत्ती के लिए आपने सबसे पहले एक हरा कागज लिया। देखो इसको, इसको इस तरह से मोड़ा। देखो बच्चों, फिर इसको कैंची से इस आकार में काट लिया। काटने के बाद अब इसको खोलिए। पत्ती तैयार। आसान है ना, बना लेंगे। अच्छा, अब इसमें पत्ती आप लगाइए। लगाते जाओ। ऐसे? हाँ, ऐसे लगाइए। इसको ऐसे करके।
आप लोग को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है? आराम से लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे लगाइए इसको। अच्छा, हम लोग ने मिलके देखिए कितना सुंदर गुलदस्ता बना लिया है। इन लोगों ने थर्मोकोल और रुई का बनाया है, हम लोग ने मखाने के फूलों का बनाया है। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। रामू और शामू की कहानी के जरिए तो हम लोग ने बहुत कुछ सीख लिया। अगर आप भी कभी कूड़े का ढेर देखें तो आप ये ना समझिए कि इसको फेंक देंगे, उससे भी हम लोग कुछ अच्छा सा रचनात्मक बना सकते हैं और अपने घरों को सजा सकते हैं। करेंगे ना कुछ आप? हाँ जी।